हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है और मैं अपने यूट्यूब चैनल टेकियो की तरफ से आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक कमाल का आइडिया। तो मैं आज की वीडियो, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि जिनके पास DSLR कैमरा नहीं है और वो अपनी मोबाइल से ली गई पिक को DSLR वाली पिक बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेक्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इतलात आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है आफ्टर फोकस। तो आपने इसको, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपने वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा। ये देखें, ये आफ्टर फोकस ओपन हो गया है। आपने यहाँ पर एल्बम में जाकर कोई भी पिक ले लेनी है। मैं यहाँ पर कोई भी पिक ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक पिक आ गई है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर चले जाना है, इस थर्ड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर एक ऐसे लगा देना है, एक ऐसे लगा देना है और एक ऐसे लगा देना है, और यहाँ नीचे भी ऐसे इसके गेयर्स आपने लगा देना है। और फिर बाद में आपने फास्ट इधर चले जाना है और यहाँ पर नहीं, इस पर नहीं जाना, आपने यहाँ पर जाना है फास्ट वाले पे। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, ये एरिया सेलेक्ट हो गया है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं। तो ये आपने ऐसे कर देना है, ये ऑटो कर लेगा। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ब्लर ऑप्शन पर आ जाएं। यहाँ पर आप थोड़ा ब्लर भी कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये और भी ब्लर हो गया है। तो यहाँ पर ये फीडर भी है, जितना आप इसको करना चाहिए फुल भी कर दें। तो ये देखें, ये यहाँ पर मोशन ब्लर भी है, यहाँ पर जूम ब्लर भी है। तो मैं यहाँ पर इसको लेंस ब्लर कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स भी है जो कि आप कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को कैसे करना चाहें, होल मुकम्मल को कर देता है, ये बैकग्राउंड को कर देता है। तो ये ब्लर है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, तो यहाँ पर ये ब्राइटनेस है। ये देखें, ये ब्राइट हो गया, ये मैं इसको कम, ये देखें फुल लाल हो गया, ये फुल रेड हो गया। ये देखें, इसको बढ़ा देते हैं। तो आपने इसको फिर सेव कर देना है। तो ये प्रिपेयरिंग हो रहा है, ये आपकी वीडियो सेव हो रही है। ये देखें, 30% हो गया, 40%, 50, 60, 70, 80, ये 100% हो गई सेव सक्सेसफुली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़ दोस्तों।